खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के NIT 5 नंबर इलाके में साइन स्टार ओयो पर पुलिस ने की छापेमारी। 5 युवाओं के साथ 5 नाबालिग बच्चियों को ओयो में होने की मिली थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पहुंची NIT थाने की पुलिस ने मौके से लिया कुछ युवक युवतियों को हिरासत में। हिरासत में लिए गए युवक युवतियों में 5 युवक और 2 युवतियां बताई जा रही बालिग, 3 युवतियों हैं नाबालिग। कुछ दिन पहले माल्या आयोग की शिकायत पर चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर इसी साइन स्टार ओयो पर नाबालिग स्कूली छात्र के साथ एक युवक को पुलिस ने लिया था हिरासत में। माल्या आयोग की चेयरपर्सन ने की थी जिला प्रशासन से ओयो को सील करने की सिफारिश, लेकिन इसके बावजूद धक्काड़े से चल रहा था ओयो में हो रही थी गलत गतिविधियाँ। समाज सेवी ने लगाए थे आरोप। पास इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें महकमे की तरफ से बुलाया गया था और साथ में कुछ सोशल जो टीम्स हैं उन्होंने भी भेजा था। इसमें ये कहा गया था कि इसमें ऊपर जो है स्कूल की नाबालिग बच्चियां हैं। जब ऊपर चेक की गई तो आईडी अवेलेबल नहीं है और वाकई ही स्कूल की नाबालिग बच्चियां हैं और पुलिस महकमे में ने पूरा सहयोग किया है। तकरीबन मेरे हिसाब से 5 नाबालिग बच्चियां हैं ऊपर है, 5 लड़कियां हैं जिसमें से 3 नाबालिग हैं। कौन सा ओयो है? लेकिन ये चीज़ पक्की है कि सारी की सारी जितनी भी 5 की 5 लड़कियाँ थी और 5 लड़के थे गलत मंसूबे से ऊपर थे, ये चीज़ कन्फर्म है। अब इसके ऊपर पुलिस जो अपनी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकती है। कौन सा ओयो है? आई डोंट नो, शायद इसका शाइन स्टार नाम है इस ओयो का। कोई आईडी वगैरह जमा करी थी इन्होंने? जो मैंने मेरे को जो पुलिस वालों ने चेक करने के लिए बोला था तो फर्स्ट टाइम चेक किया था, रजिस्टर में लड़कियों का नाम तक नहीं था। आईडी तो दूर की बात है, रजिस्टर में लड़कियों का नाम तक नहीं था। 3 नाबालिग हैं? 5 टोटल लड़कियां हैं, उसमें से 3 नाबालिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।